नमस्कार, stsuthar.com में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के विलेन शकुनी के बारे में जानेंगे। महाभारत का सबसे बड़ा विलेन शकुनी था। जी हाँ, आपने सही सुना है, महाभारत में शकुनी ही ऐसा पात्र था जिसको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार होगी, इसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों का व्यक्ति नहीं थे। शकुनी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उसकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म पितामह के दबाव के कारण शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करना पड़ा। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए और कुरुवंश की जड़ें खोदना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध क्षेत्र में उतार दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना अधिकतर समय और अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी की ससुराल में ही बिताया। राजनीतिक उद्देश्य की वजह से शकुनी को वहाँ हस्तिनापुर में रखा गया था। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी ने अपना राज्य तक त्याग दिया। अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। यहीं पर रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच में गहरी खाई बनाई। गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया, फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली, तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया। गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में डाल दिया। जेल में सभी के साथ बुरा व्यवहार किया। हर रोज एक मुट्ठी अनाज ही खाने को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर पुत्र शकुनी को बचाने का फैसला किया। उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते हुए देखा था। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की प्रार्थना की थी, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध लेना ना भूल जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर शकुनी की एक टांग तोड़ दी, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। शकुनी के पास जो पासे थे वो उसके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने हुए थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल थी और कौरवों को भी इसका मोह जगा दिया। इसको देखते हुए राजा सुबल ने अपनी हड्डियों के पासे बनवाने के लिए कहा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा भी नहीं सकेगा। साथ ही इन पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उसकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचा कर रख ली, फिर उनसे पासे बनवाए। हड्डियों से बने हुए पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्रों और कौरवों दोनों से ही नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए, कई अवसरों पर परेशान भी किया। साथ में शकुनी के पैर का भी मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव पुत्र नकुल ने शकुनी और उसके पुत्र उल्लू को मार दिया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी ने भीम को बुलाया और कहा, इन पासों से इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इसे इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, तुम इनको नष्ट कर दो ताकि किसी को ये पासे ना मिल सके। अगर वो पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अर्जुन उधर से निकल रहे थे, तब श्री कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को लेकर निकल लिए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक बड़ी सी नदी देखी और उसमें वो पासे फेंक दिए। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लगे और परिणाम ये हुआ
जो आज भी किसी न किसी रूप में समाज में मौजूद है।